देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। शनिवार का दिन प्रदेश के लिए एक बुरी खबर के साथ आया। मैं आपको बताऊं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंत्रिमंडल के उनके एक सहयोगी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसको देखकर तमाम उन लोगों को क्वारंटाइन कर रहने के लिए कहा गया है, जिनके साथ प्रदेश के मुखिया ने बैठक की थी। मैं आपको बताऊं, कई मंत्रियों कई सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने 1-to-1 चर्चा की थी इसी बीमारी को रोकने के लिए, जिसकी से वो प्रेरित हो गए। ये तो हुई बात प्रदेश की। आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा शहर के विभिन्न इलाकों में और दिखाते हैं पुलिस वहां पर किस तरीके से, प्रशासन किस तरीके से सख्ती बरत रहा है और क्या कुछ सड़कों पर हो रहा है, उसका एक नज़ारा आप देखिए। लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता, शनिवार और रविवार 57 घंटे का लॉकडाउन, पुलिस चुस्त मुस्तैद। जैसा कि सड़कों पर लगातार यहां पर देखा जा सकता है, बैरिकेड्स लगाकर जगह जगह चेकिंग की जा रही, फिर भी यहां की जनता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी का जो बचाव है, जो इलाज है वो करे। हमारे साथ अमैया थाने के TI मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे जिस तरीके से वो सुबह से लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उनको शाम हो चुकी है, क्या लग रहा है, किस तरीके का कैसा माहौल है, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की पब्लिक मानने के लिए तैयार है क्या नहीं है? बढ़ते हुए कोरोना पेशेंट्स को देखते हुए, जैसा कि कलेक्टर साहब ने निर्णय लिया था कि शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रखा जाए, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है पुलिस को उसको फॉलो करवाने में। लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, लोग नहीं मान रहे हैं, अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी ठान रखा है कि पुलिस उतनी ही मुस्तैदी से जो है उनका पालन करवाएगी और लगातार हम उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जो चालानी कार्रवाई के साथ साथ सीजिंग कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं गाड़ियां जहां आवश्यकता लग रही है, और इसी तरीके से लगातार लॉकडाउन का पालन पुलिस करवाती रहेगी। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जैसे आम तौर से हमने भी देखा है, हमारी टीम ने भी देखा, आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, यहाँ की जनता यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना की रफ्तार हमारी वजह से बढ़ रही, वो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की आप लोग को तरीका, आगे का तरीका होगा, जैसे पेशेंटों को हर हालत में, पेशेंट कहें या आम जनता कहें या जो आप कहें, घर पर रोकने के लिए क्या कदम आपके होंगे? दिन पर दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सख्ती बढ़ा रहे हैं और हम लोग को साफ साफ निर्देश हैं कि अगर ऐसे में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ FIR दर्ज भी करनी पड़े हम लोग को चालानी कार्रवाई के साथ साथ, तो हम FIR दर्ज भी कर रहे हैं अब, और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि लोग जो है अनावश्यक रूप से जो बाहर आ रहे हैं उनको फ्री एंड छोड़ दिया जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमैया थाने के TI, जिनका साफ तौर से कहना था हम जनता को घर में रोकने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें, शनिवार और इतवार जिस तरीके से रीवा में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी भी हैं, हम जानेंगे आज के हालात को देखते हुए आज क्या, किस तरीके की क्या संख्या दिख रही है आपको, क्या आप आंकड़े कुछ बताएंगे जनता को? देखिए, लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से जांच बढ़ रही है उसी तरह से संख्या बढ़ रही है। जो हमारे पास अभी जो आंकड़ा है उसमें आज 15 हैं, 104 पहले के हैं, कुल 202 लोगों के जो है कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। 10 वार्ड जो है यहाँ पे कॉन्टेंट उनको घोषित किया गया है, जहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पे तैनात है, उनकी लोगों को वहाँ पे जो है सुरक्षित कर दिया गया है, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये 10 वार्ड हैं, अभी भी जांच चल रही है, जांच के बाद देर शाम में फिर एक रिपोर्ट आएगी तो ये संख्याएं बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो कोरोना पेशेंट है जिस तरह से निकल कर सामने आ रहे हैं, एक विस्फोट हो रहा है। 10 वार्ड, एक महत्वपूर्ण जानकारी, शहर के 45 में से 10 वार्ड कोरोना संक्रमित। सोचिए, जिन वार्डों में ये माना जा रहा था घोघर, बिछिया, निपनिया, तकिया, अमैया, घनी आबादी वाले, मैं आपको फिर से बताऊं, घनी आबादी वाले बस्ती नए शहर में बोदाबाग, नेहरू नगर, जिस तरीके से वहाँ पेशेंट निकल के बाहर आ रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशासन शायद इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि एक हफ्ते का लॉकडाउन शायद, क्या आपको क्या लगता है कि रीवा एक हफ्ते के लॉकडाउन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा?
देखिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे डॉक्टर भी इसके चपेट में आ गए। 10 वार्ड शहर का जो है एक तिहाई हिस्सा कह सकते हैं, 10-45 वार्डों में ये उनके क्षेत्र में सूची में है कि यहाँ पे क्वारंटाइन करना है। 113 जो है यहाँ पे हो चुके हैं, 202 ये हैं। तो निश्चित तौर पर अब समय है, जिस तरह से हनुमना मऊगंज, हम अभी शहर की आप बात करें, मऊगंज हनुमना इसको त्योथर इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर अब वो समय है कि कम से कम 7 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और ये अब समय की मांग भी यही है। समय की मांग है। समय के हिसाब से निश्चित रूप से प्रशासन भी गंभीरता से एहतियातन वो सारे कदम उठाने के लिए तैयार बैठा, हर हालत में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के एहतियातन वो कदम वो उठाने के लिए तैयार बैठा, जिनको अपनाकर शहर में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। डॉक्टरों का संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, वहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर संक्रमित एक के बाद एक और वहाँ के मरीज एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप में ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। मैं अपने दर्शकों से भी कहूँ, साफ तौर से कहना चाहूँगा, अपना और अपने परिवार का भरपूर ख्याल रखें, इस बीमारी से बचने का यही एकमात्र इलाज है। जैसे अभी हमारे पुलिसकर्मी भी साफ तौर से कह रहे थे कि वो एहतियातन वो सारे कदम उठाएंगे, निश्चित रूप से उनको उठाना भी चाहिए, वो सारे कदम हमारी आपकी भलाई के लिए हैं, एहतियातन वो कदम उठाए जाएं तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं समीम सौदागर के साथ जावेद अंसारी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।